टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ललकार ऑन टीवी वन। मेरा नाम सोफिया अंजुम है। हाँ जी, बढ़ते हैं अब अपनी पैनल की तरफ। और आपको पता है इस दफा हमारे पैनल पे बड़े ही काबिल और रिस्पेक्टेड जो है गेस्ट मौजूद हैं, तो आइए उनका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले जी हम दावत देना चाहेंगे प्रोफेसर टीपू सुल्तान साहब को। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, हाउ आर यू, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। आई रियली लाइक योर टाई। मैंने कहा मैं जरा स्टार्ट कर दूं शो ये कहने के लिए कि टाई इनकी बहुत अच्छी। अक्सर खवातीन एक दूसरे की तारीफ कर रही होती, मैंने सोचा ये जरा हम शन करें मिथ को। सो जी, इनके जो तारीफ है और जो इंट्रोडक्शन है, लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक। He is the professor of pediatric neurology at Children Hospital Lahore, chairman expert review committee and secretary general Pakistan Pediatrician Association Punjab. Once again we welcome you to the show. इनके साथ साथ जी हमारे पास हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, शुक्रिया। सर आपने टाई नहीं पहनी हुई, मगर ये जो आपने पेन यहाँ पर बड़े स्टाइल से लगाया हुआ ना, पता होता कि आपने तारीफ करनी है तो मगर पेन की मैं तारीफ जरूर करूंगी। हाँ, वेरी स्टूडियस आई मस्ट से। कैसे हैं आप? थैंक यू, ठीक ठाक है। अच्छा जी, इनकी इंट्रोडक्शन भी करते हैं। ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जी पाकिस्तान में। ही इज गिविंग अ लॉट ऑफ सर्विस टू आवर कंट्री एंड आवर सोसाइटी इन पर्टिकुलर। ये है जी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ऑफ एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन पंजाब, यानी कि EPI। सो वंस अगेन वी वेलकम यू टू द शो। थैंक यू, थैंक यू जेंटलमैन। अच्छा सबसे पहले जी हम एक सिंपल से सवाल से स्टार्ट करते हैं। वैसे हम हर एपिसोड में लोगों को बताते हैं इसके बारे में, मगर ये जरूरी बहुत है। डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं, पोलियो एग्जैक्टली है क्या? जी पोलियो एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है जी, जो आमतौर पर छोटे बच्चे जो हैं 5 साल से कम उम्र उनको मुतासर करती है। और ख़तरनाक बीमारी इस लिहाज से है कि इससे या तो बच्चे माजूर हो जाते हैं जी, या खुदा न खास्ता उनकी जान भी जा सकती है। और माजूरी ऐसी है कि जो उम्र भर की है उसका फिर कोई इलाज नहीं है। तो इस लिहाज से इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि और दुनिया में चूंकि सिर्फ अब 2 ममालिक हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहाँ यह बीमारी है, तो इसलिए इसके खिलाफ हमें सब ने मिलजुल कर जद्दोजहद करनी है ताकि इस बीमारी का यहाँ से खात्मा किया जा सके। तो बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीज है जी, जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे को मुंतकिल हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि वजूहात क्या क्या हो सकते हैं पोलियो के, द कॉजेस? जी कॉजेज तो ये है कि ये वायरस जो है ये आमतौर पर हम कहते हैं फीको ओरल रूट, यानी कि ये बच्चे के खाने मुंह के रास्ते जो है बच्चे के जिस्म में दाखिल होता है और ये फिर मल्टीप्लाई करते हैं मिलियंस की तादाद में जिस्म में बनते हैं और फिर वो ज़ाहिर है फीको ओरल रूट है तो पखाने के जरिए जरासीम खारिज होगा और फिर हमारी सीवरेज में चला जाएगा और उस वहाँ से ये जरासीम जो है किसी भी सोर्स से दोबारा किसी के फैमिली में चला गया और वो बच्चे ने खाना खाया या मुंह में हाथ डाला या कोई खिलौना मुंह में डाला, तो ये एक साइकिल है, विशेष साइकिल है जी। तो इस साइकिल को ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी है, इसकी ट्रांसमिशन जो है वायरस की उसको रोकना ज़रूरी है ताकि ये वायरस ना रहे और बच्चे जो हैं जिनके अंदर से ये इसने जाना है तो उसको बीमार ना करे। अगर वो बच्चा वैक्सीनेटेड होगा तो उसमें वायरस जाएगा तो ज़रूर, लेकिन वो उसको मुतासर किए बगैर उससे खारिज हो जाएगा और फिर उस बच्चे की तलाश में होगा जो अनइम्यूनाइज है या जिसके अंदर कुव्वत मुताफत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस लिहाज से जो कंपेन्स हैं हमारी या जो हमारा रूटीन का एक EPI प्रोग्राम है उसमें इसीलिए बच्चों को ये हिफाजती कतरे जो हैं दिए जाते हैं और हर बार हम कहते हैं 2 कतरे हर बच्चा हर बार, वो इसलिए ज़रूरी हैं ताकि बच्चे के अंदर जो कुव्वत मुताफत है वो एक सस्टेन रहे, मेनटेन रहे, क्योंकि वायरस अभी कहीं ना कहीं मौजूद है एनवायरमेंट में। सही। और जब तक वो मौजूद है वो थ्रेट है फॉर द चिल्ड्रन। बिल्कुल, इसलिए हम बार बार जी इल्तिजा करते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि पोलियो के 2 कतरे जो हैं वो बहुत जरूरी है और रिपीटेड वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अच्छा प्रोफेसर साहब आपसे पूछते हैं जी अफेक्ट्स के बारे में, तो हमें ये बताइए कि जो अफेक्ट्स हैं पोलियो के, अगर हमने देखना हो कि एक पोलियो रिडन हमारे पास बच्चा है तो जिंदगी किस तरह वो गुजारेगा? बहुत ही अहम क्वेश्चन पूछा आपने। बुनियादी तौर पे जिस तरह के डॉक्टर साहब ने बताया कि फीको ओलर रूट के जरिए वायरस जिस्म में दाखिल होता है उसके बाद ये मल्टीप्लाई होता है और मिलियंस की तादाद में जिस्म में फैल जाता है जी।
जिस समय फैलने के बाद ये खून में शामिल होता है और खून के बाद ये आसाबी निजाम पे हमलावर होता है, दैट्स वाई ये यू कैन से कि ये वन ऑफ द न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन है। जब ये आसाबी निजाम पे हमलावर होता है तो जिस्म की मुख्तलिफ किस्म के आसाब और उनसे मुंसलिक पट्ठों की कमजोरी की शक्ल में जाहिर होता है और इसी वजह से हमारे यहाँ शुरू में बहुत सारे अवाम में पोलियो और फालिज के दरमियान थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी पाई जाती थी कि वो बाज़ दफ़ा फालिज को पोलियो और पोलियो को फालिज के साथ मिक्स कर लेते थे। तो फालिज जो है वो एक और किस्म की बीमारी का नाम है और पोलियो जो है वो एक जिस तरह के डॉक्टर साहब ने बताया वायरस की वजह से होती है जी। तो खुदा न खास्ता अगर किसी बच्चे को पोलियो हो जाता है, उसका जिस्म का कोई हिस्सा या कोई पट्ठा माजूरी की शक्ल इख्तियार कर जाता है तो फिर उसमें बदकिस्मती से इलाज की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो दुनिया भर में, ये नहीं कि पाकिस्तान में, वो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा दस्तयाब नहीं है जी। और यही वजह है कि हम पोलियो से बचाव के ऊपर जोर दे रहे हैं, दो कतरे हर बच्चा हर बार। और सबसे अहम बात यह है कि ये बीमारी इस वक्त दुनिया से तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ इस एक रीजन में बाकी रह गई है और उसमें भी बिल्कुल अपनी आखिरी स्टेज पर है। तो इलाज से ज्यादा फिर हम उसकी जो बहाली या रिहैबिलिटेशन है उसकी तरफ जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को हो जाता है तो फिर उसमें बहाली में सबसे अहम चीज जो है वो फिजियोथेरेपी है और उसकी एक सोफिस्टिकेटेड या रिफाइंड शक्ल जिसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहा जाता है, ये दो अहम कंपोनेंट होते हैं पोलियो से मुतासर मरीजों की बच्चों की बहाली या आप उसको इलाज जो भी नाम दे रहे हैं, तो ये बहुत अहम उसके फेजेस हैं। दूसरी चीज़ जैसे कि कहा गया कि अगर वायरस चला जाता है और कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर है तो उसमें मैं हमेशा अपने वालदैन से ये अपील करता हूँ कि बच्चे की खुराक का बड़ा गहरा तअल्लुक है बच्चे की कुव्वत मुदाफ़त के साथ। तो एक जो वेल थ्राइव बच्चा, वेल नरिश बच्चा जिसको मुकम्मल मतवाजन खुराक मिल रही है तो नेचुरली उसमें जरासीम से लड़ने की सलाहियत भी ज़्यादा होगी। तो इसी तरीके से अगर पोलियो का वायरस आ गया है और वो वायरस के आने के बावजूद उसको वायरस को लड़ के उसको निकाल भी सकता है, लेकिन अगर उसमें कमजोरी भी हो गई है, बीमारी भी आ गई है, तो उस सूरत में भी एक वेल थ्राइव वेल नरिश बच्चे में बहाली के इम्कानात बढ़ जाएंगे, उसमें जल्दी वो कमजोरी जो है अगर 100% नहीं भी तो खासी हद तक वो कवर अप हो सकती है। बिल्कुल सही है। और प्रोफेसर साहब आपने बात की थी अभी इलाज की, तो ये हम बार बार लोगों को यही बता रहे हैं हमारे जितने भी व्यूअर्स है टीवी वन के, इसका कोई इलाज नहीं है, एहतियात करनी है, इसीलिए पोलियो के कतरे पिलाना बहुत जरूरी है। अच्छा एक अहम सवाल डॉक्टर साहब आपसे पूछते हैं कि जो पोलियो की वैक्सीन है ये क्या सारे बच्चों के लिए सेफ है, क्योंकि अक्सर वालदैन जो है ना वो घबरा जाते हैं, पूछते हैं कि क्या ये सब बच्चों के लिए सेफ है, सब बच्चों के लिए। ये बड़ा ज़रूरी और अहम आपका सवाल है क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आता है। पोलियो की वैक्सीन सेफेस्ट वैक्सीन है और जो आलमी इदारा सेहत है, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उससे अप्रूव्ड है, मंजूर शुदा है और उनकी निगरानी में ही तैयार की जाती है। और इतनी आसान, बाकी आपने देखा होगा बहुत सारी वैक्सीन इंजेक्शन की शक्ल में आती और इसका तो ये फ़ायदा है कि ये कतरे हैं, ओरल है और कोई बच्चे को तकलीफ भी नहीं है, पानी के कतरों की तरह, पानी के कतरों की तरह दो कतरे हमने देने और इतनी इफेक्टिव है कि आप समझिए 100%, अगर वैसे 99 point something, लेकिन ये समझिए जो बच्चे ने इसको पी लिया वो 100% इस बीमारी से बच जाए। बिल्कुल, उसमें कोई इम्कान नहीं है फिर इस बीमारी को होने का अगर वो इसकी डोजेज जो हैं, जो एक रूटीन इम्यूनाइजेशन में भी हम देते हैं, एट बर्थ एक देते हैं, फिर 6 हफ्ते की उम्र में देते हैं, फिर 10 हफ्ते की और 14 हफ्ते की उम्र में, अब 14 हफ्ते की उम्र में एक इंजेक्शन भी लगता है, ठीक, IPV जिसको हम कहते हैं, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, और फिर उसका एक बूस्टर डोज हम 9 महीने की उम्र में भी लगाते हैं और इसके बाद जितनी कंपेन्स होती हैं खसूसी मुहिम उसके दौरान भी हम कहते हैं कि बच्चे को हर बार ये वैक्सीन देना इसलिए ज़रूरी है ताकि ज़रा सा भी उसका कोई इम्यूनिटी लेवल जो है वो नीचे ना, एक मेनटेन रहे ताकि वो जरासीम जो सर्कुलेट कर रहा है अगर खुदा न खास्ता उसके जिस्म में दाखिल हो जाए तो उसको बगैर नुकसान पहुंचाए जिस्म से निकल जाए। बिल्कुल, तो बड़ी इफेक्टिव वैक्सीन है और बड़ी सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अक्सर क्योंकि वालदैन कहते हैं नहीं जी नहीं, आज तो मेरे बच्चे को बुखार चढ़ा हुआ है, खांसी है, जुकाम है, नजला है, या मुझे लग रहा है कि तबीयत सही नहीं बच्चे की, तो चले आज जो है ना पोलियो के कतरे नहीं पिलाते हैं, वैक्सीन नहीं लगवाते, तो ये मैंने कहा मैं एक दफा आपसे कन्फर्म करवा लूँ ताकि वालदैन को भी जरा हौसला मिले कि ऐसा ही कोई बात नहीं है। जी एग्जैक्टली, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जो कुछ हमारे इंजेक्टेबल वैक्सीन है ना उसमें तो फिर हम बच्चे को अगर ज्यादा बीमार है तो इंजेक्शन उसको नहीं देते जी। लेकिन ये जैसे मैंने अर्ज किया कि बिल्कुल एक ओरल वैक्सीन है, दो कतरे देने हैं, कोई इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, यानी कि मुमानियत नहीं है कि किसी कंडीशन में बच्चा बीमार है, बच्चा नौजायदा, अगर हम कहते हैं एक दिन का बच्चा है, रात को पैदा हुआ है, सुबह पोलियो टीम आ गई है, तो उस बच्चे को भी
पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं, बिल्कुल, या उसने अगर एक दिन पहले रूटीन की डोज ली है अपने जो उसके हिफाजती टीकों की, लेकिन कंपेन के अगर वो टीम आती है तो उसको दोबारा उसके कतरे पिलाने जरूरी हैं। ये नहीं कि मैंने कल इसके कतरे पिला दिए थे रूटीन के, तो वो कंपेन में हम कहते हैं हर बच्चा जो 5 साल तक की उम्र का है वो बीमार है या नौजायदा है या कोई मेहमान बच्चा है सोया हुआ है, उसको जरूर जब टीम दरवाजे पे दस्तक दे तो उस बच्चे को जरूर कतरे पिलाएं, क्योंकि ये उस बच्चे की जिंदगी के लिए और हमारे मुल्क के फ्यूचर के लिए बड़ा जरूरी है। बेशक बहुत अहम जो है डॉक्टर साहब ने बात की है, बहुत अच्छा पैगाम दिया है, थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपसे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्योंकि हम फिजिकल हेल्थ के बारे में अक्सर बात करते हैं मगर हम मेंटल हेल्थ को काफी पीछे छोड़ देते हैं, यानी कि हमारी जो ज़हनी एक सेहत है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर जो है जिस्मानी सेहत के ऊपर ही फोकस करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट मेंटल health when it comes to polio and especially the kids. देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को 2, 4, 6 साल की उम्र में पोलियो हो जाता है और वो किसी जिस्मानी मजूरी का शिकार हो जाता है, क्योंकि ये वो बीमारी है जो सिर्फ पट्ठे पे या आसाबी निज़ाम पे असरअंदाज होती है, इसमें उसका जो हायर मेंटल फंक्शंस हैं या जो हम उसको कहेंगे उसका IQ है वो अफेक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि कल को वो बच्चा जब बड़ा होगा, वो 5 साल का 10 साल का 15 साल का ये बड़ा होगा, वो स्कूल जाएगा कॉलेज जाएगा अपनी एडल्टहुड में दाखिल होगा, तो वो डेफिनेटली सोचेगा कि अपने बहन भाइयों से अपने कज़न से अपनी फैमिली में अपने इलाके में वो बाकी बच्चों से मुख्तलिफ क्यों है, वो क्यों बैसाखी का सहारा लेके चल रहा है या वह क्यों अपाहज के तौर पे ज़िंदगी गुजार रहा है या वो क्यों फॉर इंस्टेंट अगर व्हील चेयर बाउंड हो गया तो वो ऐसा उसके साथ क्यों हुआ है। तो नेचुरली वक्त गुजरने के साथ साथ जब वो ये क्यों सोचता रहेगा उसके दिमाग में मुख्तलिफ सवाल उठते जाएंगे, उसको समझ आती जाएगी, तो अल्टीमेटली ये उसकी ज़हनी जो सेहत है जिस तरह आपने फरमाया मेंटल हेल्थ है उसको मुतासर करेगी। और मैं हमेशा वालदैन से कहता हूँ कि जब उसको ये बात फॉर इंस्टेंट अगर पता चल गई कि अगर मेरे वालदैन ने मुझे पोलियो के कतरे पिलाए होते या पोलियो से बचाव का टीका लगवाया होता तो ये बीमारी तो ऑब्सोल्यूट बीमारी है दुनिया में मोर और लेस, वी कैन से माशाल्लाह से पाकिस्तान में भी पंजाब में पिछले 1 साल से पोलियो का केस रिपोर्ट नहीं हुआ। तो हम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं मैं खासा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले 1 से 2 सालों में We will declared as a polio free nation as well. तो उसमें definitely वो बच्चा जब बीमारी की नौयत को समझेगा, उसके after effects को after maths को समझेगा तो naturally उसकी mental health जो है वो affect होगी। तो उसको थोड़ा सा जो है अफसोस तो जरूर होगा कि ये एक ऐसे ही मसला नहीं था कि जो जिससे मैं बच नहीं सकता था और मैं सारी जिंदगी के लिए इस बीमारी का शिकार हो गया। तो नेचुरली उसके बाद फिर ये होता है कि हर इंसान का हर बच्चे का या हर नौजवान का सोचने समझने की सलाहियत या इन चीज़ों को अपने ऊपर अफेक्ट होने की या हावी होने का मुख्तलिफ एक तरीकाकार होता है। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपने बड़ा ठीक पॉइंट आउट किया कि लॉन्ग टर्म इवन इस बीमारी का बच्चे की या एडल्ट चाइल्ड की मेंटल हेल्थ के साथ भी बहुत गहरा ताल्लुक बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा यहाँ पे प्रोफेसर साहब आता है रोल ऑफ द पेरेंट्स एंड द टीचर्स एंड द सोसाइटी, यानी कि आपके जो खानदान के लोग हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके दोस्त हैं, आपके उस्ताद हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि वो बच्चों को फिर सपोर्ट करे ताकि वो उनको इस दलदल से बचा ले। तो यहाँ पर हम बात करते हैं डॉक्टर साहब आपसे बात करते हैं इस बारे में कि क्या रोल होना चाहिए जो कि वालदैन को अदा करना चाहिए और खानदान वालों को अदा करना चाहिए बच्चे के लिए। आप बीमारी से पहले की बात कर रहे हैं, बीमारी के बाद की भी और पहले भी जो रोल है बीमारी से, तो पहले तो जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि जाहिर है इसकी चूंकि हम इनको कहते हैं वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज VPDs, तो ये तो बीमारियां ऐसी हैं कि जिनको आसानी से रोका जा सकता है या जिनसे बचा जा सकता है। अब कुछ बीमारियां हैं उनसे नहीं बचा जा सकता तो उनकी तो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन जिन बीमारियों से बचने का इंतहाई आसान नुस्खा मौजूद है और मुफ्त में घर जाकर गवर्नमेंट जो है वो दे रही है, तो इसमें वालदैन टीचर और जो हमारी सिविल सोसाइटी है उनको एक तो इनके गवर्नमेंट के इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसकी उसके बारे में लोगों को मोबिलाइज करना या रागिब करना और जिनके पास ये अवेयरनेस है उसका वो पैगाम उन लोगों तक पहुंचाना, खा वो वालदैन हैं या टीचर्स हैं या सिविल सोसाइटीज हैं, उसमें उनका बड़ा अहम रोल है कि जितनी भी इस तरह की बीमारियां हैं जिनके खिलाफ वैक्सीन मौजूद है वो वैक्सीन ज़रूर खुद भी अपने बच्चों को और अपनी फैमिलीज को और जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले हैं या जो उनके ज़ेरे असर हैं ज़ेरे साया हैं उन तक ये पैगाम पहुँचाएँ ताकि बीमारी हो ना। अब दूसरी बात है कि अगर बीमारी हो गई है तो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि इसका चूंकि ताल्लुक माजूरी से है, यानी कि मौत भी हो सकती है,
मौत हो गई वो तो चले कुछ अरसे बाद सब्र आ जाता है लोगों को, लेकिन जिसकी माँ बाप के सामने एक बच्चा सारी ज़िंदगी बैसाखियों पे चलेगा और उनका एक फ्यूचर, ख़ासतौर पर वो अगर लड़की है उसके अपने मसले हैं, लड़का है वो उसके अपने मसाइल होंगे, तो ये तो सारी उम्र के लिए उस बच्चे के लिए भी एक नफसियाती और उसके वालदैन के लिए भी एक ऐसी कैफियत होगी जिसका कोई तदारक फिर नहीं कर जी सकते। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर तो पहले तो इस बीमारी से बचने के लिए जो तदबीर हैं वो करें, और अगर खुदा ना खासा कोई ऐसा केस हो गया है तो फिर उसका जो एक मोराल बूस्ट करने के लिए, उसको उस ज़िंदगी की दौड़ में बाकी लोगों के साथ चलाने के लिए भी सोसाइटी का और वालदेन का और टीचर्स का बड़ा अहम रोल है, बिल्कुल ताकि उसके अंदर जो एहसास महरूमी है उस पे काबू पाया जा सके। बिल्कुल, और इसीलिए जो है हम बार बार स्ट्रेस करते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू जो कि ललकार है TV1 के ऊपर, कि आप जो है इस चीज़ का एहसास रखें कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है। और पूरी दुनिया से ये खात्मा हो चुका है पोलियो का, सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान रह गए। तो वक्त है जी छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए ललकार ऑन TV1, वी शुड बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ललकार ऑन TV1, मेरा नाम सोफिया अंजुम है। हम बात कर रहे थे जी पोलियो इरेडिकेशन के बारे में, काफी मालूमात जो है आपने शामिल किया शो पर आप जो है डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं, कुछ स्टेटिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से आपने काफी काम किया और बहुत सारी अच्छी फीडबैक भी आपको मिली। तो मैं चाह रही हूँ कि आप कुछ अपने लर्निंग्स के बारे में बताएं कि खासतौर पर पंजाब में स्टेटिस्टिक्स क्या कहते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू पोलियो। जी पोलियो क्योंकि ये जो कम्पेन है हमारी जिसको हम कहते हैं पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव, क्योंकि दुनिया भर में जब ये बीमारी कम हो गई या इसका खात्मा हो चुका था तो फिर जो चंद ममालिक जिनमें रह गए थे उनमें पाकिस्तान भी था, तो 1994 से ये कम्पेन्स जो है ना वो चल रही हैं। जो हमारा रूटीन का EPI का प्रोग्राम है वो तो 1978 से पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था, अच्छा। उसमें पोलियो के कतरे दिए जाते थे, ठीक। लेकिन जब पोलियो इरेडिकेशन का एक फेज़ आ गया कि इस जरासीम का खात्मा मुमकिन है, जिस तरह की चीचक का खात्मा हुआ, जी तो ये ऐसा बीमारी है जिसको आसानी से इरेडिकेट किया जा सकता था। तो फिर एक इनिशिएटिव, ग्लोबल इनिशिएटिव जो है वो 1994 से हुआ और ये कंपेन जो है वो स्टार्ट हुई। तो उस लिहाज से पाकिस्तान उन ममालिक में था कि जहाँ पे ये केसेस ज़्यादा आ रहे थे, हज़ारों की तादाद में थे, और हम देखते हैं कि हम जो ऐसे अब छोटे बच्चे में बहुत कम नज़र आते हैं जिनमें ये पोलियो अफेक्टेड हैं, लेकिन उस वक्त के जो पोलियो अफेक्टेड हैं वो हमें नज़र आते हैं जो ज़िंदगी की दौड़ में किसी हद तक वो पीछे रह गए। तो वो उस वक्त तो हज़ारों की तादाद में था, लेकिन जब से ख़ासतौर पे पिछले 4-5 साल से अगर मैं बात करूँ, जैसे 2016 में कोई केस नहीं था पंजाब में, 2018 में भी कोई केस नहीं था, 17 में एक दो केस हुए, लेकिन 19-20 में, 2019 में हमारे पास 12 केस थे, 2020 में फिर हमारे पास 14 केस पंजाब से रिपोर्ट हुए, पाकिस्तान से 84 केस थे लास्ट ईयर 2020 में। लेकिन 2021 का साल जो है वो हमारे लिए काफ़ी, इसमें गवर्नमेंट की ज़्यादा कमिटमेंट भी शामिल है और बाकी हमारे जो आलमी इदारा से और दूसरे जो पार्टनर्स हैं उनकी काविश और आवाम की सपोर्ट, मीडिया की सपोर्ट से, तो हमारी बड़ी सक्सेसफुल कंपेन्स रहीं जो 2021 में। 20 में एक वजह ये भी थी कि कोविड चूंकि आ गया था तो कंपेन्स नहीं हो सकी, लेकिन 2021 में फिर ये कंपेन्स दोबारा हमने इसको रिवाइव की, और अल्लाह का शुक्र है कि 2021 में आखिरी जो केस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ वो जनवरी में था और बलोचिस्तान में। पंजाब जो है वो गुज़िश्ता तकरीबन 14 माह से ये बिल्कुल पोलियो पोलियो फ्री है, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स हैं और जो कमिटमेंट है और हम लोगों के और पेरेंट्स के तामन से और मीडिया के तामन से इंशाल्लाह इसको मेंटेन करेंगे और सस्टेन करेंगे, जो जो ज़ीरो हमारा टारगेट है। तो उसके लिए फिर मैं बार बार यही कहूँगा कि हर कंपेन जो हम इस साल भी हमने 6 कंपेन जो है प्लान की हुई, तो वो अगर हम इस तरह के आगे जो हर एक महीने के बाद एक कंपेन आएगी, तो अगर ये 6 कंपेन अच्छी तरीके से हो जाती हैं और कोई केस हमें रिपोर्ट नहीं होता, तो इंशाल्लाह हम होपफुल हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपना स्टेटस जो है पोलियो फ्री का वो इंशाल्लाह उसको हासिल करने में कामयाब हो। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, मेरा तो दिल बड़ा खुश हुआ है ये सब कुछ सुन के, क्योंकि कंसिस्टेंसी इसकी, और माशाल्लाह काफी अरसे से आप और आपकी टीम जो है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस काम के ऊपर। तो मैं तो आई वुड लाइक टू गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज कि यू नो जस्ट कीप एट इट, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से नेक्स्ट एपिसोड जब हम शूट करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, तो हम ये सेलिब्रेट करेंगे कि पोलियो का खात्मा पाकिस्तान से हो चुका। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपके पास आते हैं, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी
रिपीटेड वैक्सीनेशन के ऊपर, क्योंकि अक्सर अभी डॉक्टर साहब ने पहले भी ये जिक्र किया था मगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस करवाना चाहूंगी क्योंकि ऑब्वियसली आपकी एक्सपर्टीज भी हैं ये, तो लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है हमने पोलियो के कतरे तो ले लिए, वैक्सीनेशन करवा ली, अब ये बार बार क्यों हमारे पास आ रहे हैं, तो थोड़ा सा जरा उनको रियलाइज करवाएं कि क्यों जरूरी है ये। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर वालदैन का ये सवाल होता है कि हमने 4 बार पिला लिए, 8 बार पिला लिए और ये 10 बार ये हर 4 महीने 6 महीने के बाद हमारे घर पे दरवाजे पे आ जाती हैं जी। तो उसमें मेरी हमेशा वालदैन को समझाने की खातिर एक मैं मिसाल देता हूँ कि देखें जो छोटा बच्चा होता है उसमें कुव्वत मदाफत की कमी होती है, वो दिन में 10-12 मरतबा दूध पीता है, वो दूध इसलिए पीता है कि हर घंटे डेढ़ के बाद उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, हम बड़े भी दिन में मल्टीपल टाइम पे पानी पी रहे होते हैं, तो हमें एक मिनिमल लेवल जो है बॉडी में मेंटेन करना होता है, चाहे वो खुराक का है चाहे वो पानी का है। तो ऐसे ही छोटे बच्चे में हमें बार बार हर महीने के बाद बीच में सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन डेज जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया या जो स्पेशलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे कोई किसी भी वजह से वो डे मनाया जाता है, तो वो इवन मोर देन अ डजन टाइम पे भी ये सब हो सकता है। तो 5 साल से छोटा बच्चा जो एक आर्बिट्रेरी लाइन है कि उसमें उसकी कुव्वत मदाफत में कमी होगी तो हम उसको पोलियो से बचाने के लिए बार बार ये पिला रहे होते हैं, तो ये ओनली वजह है कि हम उसको मुकम्मल प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। और एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया अब पोलियो के 2 इंजेक्शन ऐड किए गए, ये जो एडिशनल 2 इंजेक्शन ऐड किए गए इसकी बड़ी वजह ये थी कि हम अब अल्हम्दुलिल्लाह नियर इरेडिकेशन है, तो कुछ अरसे के बाद हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं जैसे मैंने पहले भी बताया कि खत्म होने के करीब है, तो ये उसको फाइनल शॉट हम लगा रहे हैं खत्म करने के करीब पहुंचने के बाद, इतने सालों से तो ये सिर्फ पोलियो के कतरे थे, एग्रेसिवली कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ये एग्रेसिव मूवमेंट है, आप समझ रहे कि ये ललकार रहे हैं हम पोलियो को, तभी हमने ना एडवांस में नाम रख लिया था अपने शो का ललकार जी। दूसरी चीज जो डॉक्टर साहब ने शुरू में बताई थी रिगार्डिंग इट्स स्प्रेड, मैं हमेशा वालदैन से कहता हूँ कि इस्लाम का पैगाम है कि सफाई निस्फ ईमान है, और इस बीमारी का भी फैलाव जो है वो फीको ओरल रूट है, मतलब ये कि हमें अपने छोटे बच्चों को ये पैगाम देने की जरूरत है कि वॉशरूम के बाद बाहर निकल के हमेशा हाथ साबुन के साथ धोएं, और उसके बाद खाना खाने से पहले हमेशा हाथ साबुन से धोएं। तो बाई चांस पिछले 2 सालों से तो ये कोरोना ने भी ये हमारी जो हैंड वॉशिंग उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, उसको थोड़ा सा इंटेंसीफाई किया है, लेकिन इन तमाम जो बीमारियां जो फीको ओलर रूट से फैलती हैं वेदर इट्स पोलियो और मे बी द टाइफॉइड, तो उसमें जो सफाई है विच इज निस्फ ईमान उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो मैं हमेशा से समझता हूँ कि कम्युनिटी, पेरेंट्स, टीचर्स, मीडिया विच इज हैव अ बिगर रोल नाउअडेज, इन सब का एक बहुत अहम रोल होता है कम्युनिटी की बिल्डिंग में, नेशन की बिल्डिंग में, और अगर वो पॉजिटिव रोल अपना प्ले करते जाएं तो हम किसी भी तरीके से किसी भी जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उनसे पीछे नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आई कम्प्लीटली अग्री विद यू, आपने बहुत अच्छी बातें की। अच्छा अब हम थोड़े से आते हैं मिथ्स के ऊपर जी, कुछ कॉमन मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में, नहीं जी नहीं पोलियो के कतरे नहीं हमने पिलाने, क्यों, क्योंकि ये हलाल नहीं है, एक तो ये मिथ है, इसके ऊपर जरा रोशनी डालें प्रोफेसर साहब। देखें ये मिथ्स हमें भी तकरीबन सुनते हुए ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स हो गए हैं, अब तो हज के लिए भी जरूरी हो गए, तो वो हम हमेशा से कहते हैं कि अल्लाह ताला ने खुद जब कह दिया कि जब कोई ऐसी मुश्किल होती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और इसके बारे में तो मुख्तलिफ उलमा ने, हमारे उलमाए दीन ने मल्टीपल टाइम्स पे मीडिया पे टीवी पे अखबारात में मल्टीपल टाइम पे ये फरमाया है कि ये 100% हलाल है और बीमारी के बचाव के लिए ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इसमें ये बस हमारे यहाँ एक जो कह लें कि आई कैन से नेगेटिव प्रोपोगंडा किया गया फॉर वट एवर रीजन, जिसकी वजह से ये हमारे शुरू के दिनों में जरा ज्यादा आवाम के जहन में ये सवाल आते थे, लेकिन अब ये अल्हम्दुलिल्लाह खासी हद तक कम हो गया हुआ है रिगार्डिंग इट्स जो आप कहना चाहिए कि इसका जो रिलीजियस वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्रोफेसर साहब आप ये देखिए अगर मतलब अगर आपने हज करना है तो वहां पे अगर आप काबा शरीफ जा रहे हैं और वहां पर जरूरी है ये सर्टिफिकेशन, तो इससे बढ़ के तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। अच्छा सेकेंड मिथ को भी शान करें, वैसे तो माशाल्लाह से हमारी आबादी पाकिस्तान की पता नहीं कहां से कहां पहुंची, पूरी दुनिया की आबादी जो है कहां से कहां पहुंची हुई, अभी भी लोग समझते कि इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं पोलियो के कतरे, इसके ऊपर भी रोशनी डालिए। बिल्कुल, ये दूसरा अहम मिथ है, मैं इसी की तरफ आना चाह रहा था कि ये स्टिल अभी भी इसके साथ एसोसिएट किया जा रहा है, तो मैं उसमें यही कहूंगा कि माशाल्लाह से पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 5 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं और ये पोलियो के कतरे पिलाते हुए हमें तकरीबन 3 डेकेड हो गए, यानी कि ऑलमोस्ट 30 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और हर साल पाकिस्तान में 5 मिलियन से ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस जनरेशन ने आज से 30 साल पहले भी पिए थे आज उनके बच्चे भी बच्चे पैदा कर चुके हैं, तो ये बिल्कुल एक लायनी किस्म का उसके साथ एसोसिएट किया गया था मेनी ईयर्स बैक,
और अब ये भी खासी हद तक मैं कहूँगा अपनी मौत आप मर चुका है, अब लोगों को समझ आ गई है कि इसके अल्टीमेट बेनिफिशरी जो हैं वो आवाम खुद हैं, बच्चे खुद हैं, हमारी अपनी नस्ल है, हमारे अपने बच्चे हैं। तो ये अब खासी हद तक आवाम को शऊर आ गया हुआ है। मैं इसमें समझता हूँ कि अगेन मीडिया का बड़ा अहम रोल है, हमारे उलमाए दीन का बहुत अहम रोल है, और ये तमाम किस्म के मिथ जो है वो खासी हद तक खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल, और इस मिथ में कोई सच्चाई नहीं है, इसको तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही हमें शन कर देना चाहिए। थैंक यू प्रोफेसर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं, बड़ा एक अहम सवाल पोलियो वर्कर्स का। पिछले एपिसोड्स में मैंने कुछ पोलियो वर्कर्स से बात की, मेरा दिल इतना खुश हुआ, मगर उसके साथ साथ मुझे काफी अफसोस भी हुआ, क्योंकि जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी, उन्होंने बताई कि कितनी दुश्वारियों का उनको सामना करना पड़ा, मुश्किलात से गुजरना पड़ा, खासतौर पर कोविड में। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो बात करते हैं पूरे प्रोसेस के बारे में, क्योंकि अमूमन जब आपकी टीम्स जाती हैं तो कोई भी अकेला इंसान नहीं जाता, वो दो या तीन या चार की टीम्स में जाता है। तो प्रोसेस के बारे में हमें बताइए पोलियो वर्कर्स। जी, बड़ा आपका अहम सवाल है, और मैं सबसे पहले बल्कि जो हमारा पोलियो के वर्कर्स हैं उनको सलाम भी पेश करता हूँ, क्योंकि असल में खराज तहसीन के मुस्तहिक वही हैं जो गर्मी हो, सर्दी, बारिश, धुंध, तूफान, वो हर मौसम में और ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ, क्योंकि हम उनको चेक करने जाते हैं ना कई दफ़ा, तो हम खुद हैरान होते हैं कि हम वो कैसे हर महीने दूसरे महीने यहाँ पे इन घरों में पहुँचते हैं जहाँ हम कभी कभार जाते हैं, गाड़ी पे जाते हैं और फिर थोड़ा सा हम चलते हैं, और वो तो कई मीलों चलना पड़ता है, दरिया अबूर करते हैं, खेत अबूर करते हैं, जंगलों से गुजर के जाना पड़ता है, पहाड़ियों से चढ़ के दूर एक घर नज़र आ रहा है वहाँ वो पहुँचते हैं। तो एक तो उनके लिए ये जो है हमारा खराज तहसीन की है, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो असल वर्कर। इसका जो मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म बता दूं कि जो भी ये हमारी कंपेन बनती है इसका एक माइक्रो प्लान बनता है। माइक्रो प्लानिंग जो है इसका अहम टूल है इस पूरी कंपेन का, और वो यूनियन काउंसिल लेवल से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पंजाब में अब अगर 4000 के करीब यूनियन काउंसिल हैं, तो हर यूनियन काउंसिल को डिवाइड कर देते हैं वो मुख्तलिफ टीम्स को। फॉर एग्जाम्पल ये यूनियन काउंसिल में अगर बड़ी यूनियन काउंसिल है तो वहाँ 10 टीमें होंगी या 15 टीमें होंगी, और उन टीमों को फिर एरिया एलोकेट किया जाता है कि आपने पहले दिन फलां गली से फलां मोहल्ले तक जाना है। उस माइक्रो प्लान में इवन ये लिखा होता है फलां की दुकान से फलां के नंबरदार के घर तक जाना है या फलां मस्जिद तक जाना है, और कितने घर उन्होंने रोजाना उस तय करने हैं। तो उनके ऊपर फिर एक एरिया इंचार्ज होता है हर चार पाँच टीमों के ऊपर, जो उनको सुपरवाइज करता है, लीड करता है, गाइड करता है। टीम में दो वर्कर होते हैं और उनके ऊपर एक एरिया इंचार्ज होता है, फिर उनके ऊपर एक UCMO या जिसको UC इंचार्ज कहते हैं वो मौजूद होता है, फिर उनके ऊपर एक तहसील लेवल का सुपरवाइजर जो हमारे डिप्टी DHO साहबान हैं वो होते हैं, इसी तरह ज़िले सतह पे, फिर डिवीजनल सतह पे, सूबाई सतह पे। तो इनका पूरा एक मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म है। तो वो माइक्रो प्लान बाकायदा एक रिटन माइक्रो प्लान है, डॉक्यूमेंटेड है, उसमें मैपिंग हुई भी होती है किस टीम ने पहले दिन कहाँ से काम शुरू करना है, कहाँ काम ख़त्म करना है, और इसी तरीके से फिर उनकी इनके ऊपर ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं। कंपेन तो हमारी 5 दिन की है, लेकिन इसका हम प्रोसेस जो है वो पूरा एक महीना से इसका प्रोसेस चल रहा होता है कि उनके माइक्रो प्लान बनाए गए, उनकी ट्रेनिंग्स कराई गई, उनको लॉजिस्टिक्स दिए गए, और आजकल जैसे आप कोविड की बात कर रहे हैं इसके ऊपर खास तौर पर उनको तरबियत दी जाती है, और इनको जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जिसको PPEs कहते हैं, यानी कि मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गए, ये इनको प्रोवाइड किए जाते हैं, और उनको पूरा एजुकेट करके और ट्रेन करके भेजा जाता है ताकि वो अपना भी ख्याल रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, सैनिटाइजर का यूज़ करेंगे, मास्क का यूज़ करेंगे, और किस तरीका जो जिनके साथ उनका इंटरेक्शन है वालदैन के साथ, बच्चों के साथ, उनको भी कैसे उन्हें बचाना है या एजुकेट करना है। डॉक्टर साहब ऐसा है ना कि एक अगर जो आपके पोलियो वर्कर है उन्होंने अगर बच्चे का मुंह पकड़ा है पोलियो के कतरे पिलाने के लिए, तो दूसरा जो आपका पोलियो वर्कर है वो पोलियो के कतरे अंदर डालेगा ताकि हाथ जो है ना कम से कम लगे, कम से कम जी, और वो भी हर बच्चे को लाने से पहले सैनिटाइज करते हैं। सैनिटाइज करते हैं, बिल्कुल। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से कि पोलियो वर्कर्स को वाकई खराज तहसीन पेश करना बहुत जरूरी है। हमारी तरफ से तो सलूट है, क्योंकि वो ऐसी ऐसी कंडीशंस में जाते, क्योंकि जब मैंने उनसे बात की तो हम सारे बैठ के ना थोड़ी देर के लिए रोए थे, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि आप ये देखिए कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ये जॉब है, हमारी जिम्मेदारी है, और हमें ये एहसास है कि पाकिस्तान में हमने पोलियो का खात्मा करना है। हमें ताने भी सुनने पड़ते हैं और हमें बहुत सारे थ्रेट्स भी आती हैं, मगर हम भी डटे रहते हैं कि हमने भी इसका खात्मा करके ही छोड़ना है। तो आपसे इल्तिजा है कि प्लीज जब पोलियो वर्कर्स आपके घर आए तो उनको इज्जत दीजिए, उनकी बात सुनिए, और ये एहसास करें कि वो आपका ख्याल रखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पोलियो का खात्मा हम सब मिलकर करेंगे। डॉक्टर साहब, मुझे वांट टू ऐड समथिंग और शुड वी मूव। मैं समझता हूँ कि वालदैन का के ऊपर भी फर्ज है कि जब वो दरवाजा नॉक करते हैं, अभी आप बता रहे थे ना कि किस तरह के वो चैलेंजेस आते हैं, तो कई दफा खास तौर पर इवन हमारे पॉश एरियाज में
तो लोग दरवाज़ा नहीं खोलते, वो नॉक कर रहे हैं या बाहर नौकर आया उसने वो बच्चे मतलब काफ़ी देर लगाते हैं। जब उनको पता है कि इन दिनों में ये मुहिम जारी है तो एटलीस्ट जब वर्कर आए ताकि उसका टाइम भी कीमती, उसने पूरा अपना एरिया करना है तो उस जिस पर्पज़ के लिए आया है उसको ना सिर्फ वेलकम करें बल्कि उसको फौरी तौर पर उन बच्चों का ताकि उसका इंटरेक्शन हो जाए और वो उनको कतरे पिला के नेक्स्ट डोर उसने नॉक करना है। बिल्कुल तो जो बच्चे घरों पे नहीं होते फिर उसका वो उनका एक नॉट अवेलेबल बच्चे अपनी वो लिख लेते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं और फिर दोबारा उसको रिविजिट करना पड़ता है, उसका दोबारा रिविजिट करते हैं। और 2 दिन स्पेसिफिकली हमने कैचअप के लिए रखे होते हैं, 3 दिन वो अपना पूरा इलाका छानने के बाद अगले 2 दिन फिर उन्हीं गलियों में उन्होंने जाना है, हर उस दरवाजे को नॉक करना है जहाँ पे कोई नॉट अवेलेबल जो बच्चे रह गए हैं उन तक पहुंचने के लिए। तो ये बड़ा एक जाँफिशानी से वो काम कर रहे हैं। तो आवाम से ये भरपूर अपील है कि उन जो वर्कर हैं हमारे उनके साथ तआमुन करें और उनके अपने बच्चों के लिए और अपने मुल्क के बच्चों के लिए इस कैंपेन को कामयाब करें। बेशक बिल्कुल तआवुन करें और वो बिल्कुल हमारे हीरोज हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि आपका तो माशाल्लाह इतने लोगों से आप बातचीत करते हैं, आपके स्टूडेंट्स भी हैं, फिर आपके पेशेंट्स भी हैं और आप इतना काम भी करते हैं हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में। तो सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं वैक्सीनेशन से रिलेटेड, चाहे वो किसी किस्म की वैक्सीनेशन भी पाकिस्तान में? मैं ये जरा जानना चाहती हूँ हमारी कौम क्या सोच रही होती है। उसमें 2-3 मैं समझता हूँ कि बहुत अहम बातें हैं जो ओवर द ईयर्स हमारे यहाँ लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो शुरू में हमने पोलियो के हवाले से 2 स्पेशल किस्म के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए रिगार्डिंग इट्स रेलेवेंस विद द फैमिली प्लानिंग, दूसरा इसका जो वो है कि ये हलाल है या नहीं है। तो अब जो पिछले कुछ अरसे से आता है सवाल वालदैन के जहन में वो होता है कि इनका नंबर बहुत बढ़ रहा है, नंबर ऑफ वैक्सीनेशन बहुत बढ़ रही है। तो उसमें मैं हमेशा ही कहता हूँ कि पिछले ओवर द पास्ट 2 डेकेड्स अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्ली 2000 सबसे पहले इसमें हेपेटाइटिस बी, उसके बाद हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और फिर उसके बाद जो न्यूमोकोकल वैक्सीन, रोटा वायरस और इंजेक्टेबल पोलियो, ये सारी वैक्सीन इसमें ऐड हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें बिग क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, EPI सेल एंड द डोनर एजेंसीज WHO, जिनके साथ मिल के ये तमाम लोग हमारे बच्चों की सेहत के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर ये नंबर आज फॉर एग्जांपल अगर 10 पे है या 15 पे है और आने वाले सालों में इवन बढ़ सकता है या बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे रिसर्च हो रही है, या फॉर इंस्टेंस मैं कहूँ कि ये कोविड पिछले 2 सालों से आ गया, इसकी हम सब ने शॉट्स लगवाए और उसमें अब खासे छोटे बच्चे भी शामिल हो गए, तो जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है तो आने वाले सालों में तो हम एक्सपेक्ट करते हैं मजीद वैक्सीनेशन आएंगी, जैसे डेंगू की वैक्सीन डेवलपमेंट में है, मलेरिया की वैक्सीन डेवलपमेंट में है, और आने वाले दिनों में या सालों में जिस तरह साइंस तरक्की करेगी नई बीमारियां अगर आइडेंटिफाई होती हैं तो नई वैक्सीन भी आएंगी। तो ये एक मैं कहूंगा कि ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है, हम सबको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो इंसान की बका के लिए, इंसान की सेहत के लिए काम कर रहे हैं। कंस्पिरेसी थ्योरी हमें सोचने की जरूरत नहीं कि नहीं ये तो जरूर हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश चल रही है दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं है, कोई साजिश नहीं है। एग्जैक्टली। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक वालदैन की तरफ से कॉमन सवाल होता था कि ये नंबर पहले तो कम था और अब बढ़ गया। दूसरा सवाल होता है कि जी गवर्नमेंट के जो EPI सेंटर्स हैं वहां पे और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा एट टाइम्स डिफरेंस आ जाता है, तो उसका भी हमें उनको क्लियर कॉन्सेप्ट देना चाहिए कि यस देर आर फ्यू वैक्सीन जो अभी गवर्नमेंट के EPI सिस्टम में शामिल नहीं है, हाउएवर वो अगर आप चाहें तो वहां से लगवा सकते हैं। जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की एक वैक्सीन है जो अभी गवर्नमेंट नहीं समझती या EPI नहीं समझती कि वो बहुत अहम है, तो ये एक वालदैन के जहन में कॉमन क्वेश्चन होता है। लेकिन जो कॉमन वैक्सीनेशन है जो एक मास को इफेक्ट कर रही होती है वो हमेशा EPI और गवर्नमेंट जो है अपने सिस्टम में शामिल कर लेती है और ये रिवाइज होता रहता है। ये शेड्यूल जो है रिसेंटली जिस तरह कोविड है या कोविड की पहले 1 थी फिर 2 फिर अब 3 तक पहुंच गया, तो ये जो इसके एक्सपर्ट्स होते हैं वो टाइम टू टाइम आपस में डिस्कस करके तो इसको हमेशा नंबर को और जो इसके अंदर इनोकुलेशंस होती हैं सारी को रिवाइज करती रहती हैं। तो आई थिंक आपने बड़ा मुनासिब साइज का जो रिस्पांस दिया है कि हमें इस पे किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर साहब दुनिया भी तो बदल गई है ना, इट्स बिकम अ ग्लोबल विलेज। अब तो वैसे भी ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है, आना जाना भी बहुत ज्यादा हो गया है। आई मीन कुछ डेकेड्स अगो, इफ यू थिंक अबाउट अ फ्यू डेकेड्स अगो, तब तो इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग भी नहीं होती थी, लोग अपने अपने घरों में रहते थे, अपने अपने मोहल्लों में रहते थे। अब तो आप ये देखें कि पूरी दुनिया का निजाम ही बदल गया है, तो कहते हैं ना कि चलती हुई दुनिया के साथ हमने भी चलना है, नहीं तो हम पीछे रहेंगे। वक्त वजह छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए रकार ऑन TV1।
अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ललकार ऑन टीवी वन। तो मूविंग ऑन, डॉक्टर साहब और प्रोफेसर साहब से बड़ी हमारी गपशप ही लग रही थी। बहुत सारी मालूमात जो है मैंने तो एटलीस्ट हासिल की, और हम उम्मीद करते हैं आप सबने भी हासिल की होंगी। काफी ज्यादा लर्निंग्स भी आज के एपिसोड में आई एम श्योर आप लोगों ने जो है वो ली होंगी। बट नाउ कमिंग बैक टू मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, मुझे बताएं। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं, ये बड़ा एक कॉमन सवाल है जो कि हमें सोशल मीडिया के ऊपर भी बार बार आ रहा होता है, कि जो रिपीटेड वैक्सीनेशन है उनके कोई साइड इफेक्ट्स हैं, ये वालदैन बड़े घबराते हैं इससे। जी, मैं एक बार फिर उनको मुकम्मल जो है जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि रिपीटेड वैक्सीनेशंस जो है उसका बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और अगर सपोज किसी वजह से वो ये समझते हैं कि उनका बच्चा बीमार है और आज की तारीख में अगर पोलियो की टीम उनके घर पे आ गई और वो नहीं पिलाना चाहिए, पहली बात तो है कि मामूली नजला जुकाम खांसी बुखार या पेट खराब में पिलाई जा सकती है। दूसरी बात ये, अगर वो किसी वजह से नहीं पिलाना चाह रहे या नहीं पिला सके तो उसी मुहिम के दौरान दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथे दिन में वो पिला सकते हैं। और तीसरी बात ये, अगर फिर भी उनकी रह गई है तो करीबी हिफाजती टीकों का मरकज पे जाके, ये उनकी इखलाकी और जिम्मेदारी है, मैं तो कहूँगा मजहबी जिम्मेदारी भी है, कि वो अपने बच्चे को मुकम्मल सेहत की फरहमी के लिए इन हिफाजती टीकों की कैंपेन के दौरान अगर वो किसी वजह से मिस भी हो गया तो जरूर पिलाएं। और जहां तक नंबर का ताल्लुक है तो इसमें बिल्कुल, मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक तो रूटीन इम्यूनाइजेशन का जो कैंपेन है उसके अलावा अगर एक दर्जन भी अंडर फाइव पे उसके बच्चे की टर्न में आ जाते हैं तो ये 12, 14, 15 जितनी भी टर्न पे उसके पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं तो उसको जरूर पिलाने चाहिए। जिसकी मैंने पहले भी एक मिसाल दी थी कि जिस तरह हम सारा दिन पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, कि हमें एक मिनिमल लेवल मेंटेन करना होता है, तो बिल्कुल किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। पोलियो नहायत बेजरर किस्म के कतरे हैं, इसलिए एक सादा सा स्लोगन हमने दिया हुआ है ना कि दो कतरे हर बच्चा हर बार, हर बच्चा हर बार, बिल्कुल। और सिर्फ दो कतरे बार बार हम स्ट्रेस करते हैं, पानी की कतरों की तरह होता है कि मतलब आपको जुकाम हो, नजला हो, बुखार हो, आपको कोई भी बीमारी हो, या आपको लगे कि नहीं भाई आज तो हम कतरे नहीं पी सकते, पानी पीते हैं ना, पानी पीते हैं ना, जरूरी है ना जिंदगी के लिए। तो पोलियो के कतरे भी आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, और खासतौर पे आपके मुस्तकबिल के लिए जो कि है कल। तो डॉक्टर साहब, अब हमने सोचा मौके का फायदा उठाएं, क्योंकि आपको पता है कि आप दोनों एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे हुए, तो मैंने सोचा जरा इनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी ले लें कोविड के मुतालिक। अनफॉर्चुनेटली जी, ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये काफी ज्यादा कंटेजियस भी है। वैसे तो ये माइल्ड है मगर कंटेजियस है, तो इसके बारे में हमें थोड़ी सी जरा बताइए, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स प्रॉपर्ली। वायरस का ये एक उसकी कुदरती एक सलाहियत होती है, प्रॉपर्टी होती है कि ये अपनी हैथ जो है वो चेंज करता रहता है, और बड़ी जल्दी ये म्यूटेशन में जाता है, क्योंकि उसकी अपनी भी सर्वाइवल की एक वो होती है कि वो जब जिसम में इम्यूनिटी बन जाती है या कोई वैक्सीन बन गई जी। तो वो अपनी शक्ल या थोड़ी सी जो हैथ वो चेंज करता है। तो अभी जो ये वेरियंट है, ये वाकई आपकी बात सही है कि तेजी से फैल रहा है, लेकिन ये इतना खतरनाक नहीं है अलहमदुल्ला। और हमारी जो हॉस्पिटलाइजेशन की रेशियो है पेशेंट की, जो अफेक्ट हो रहे हैं पॉजिटिव और जो अस्पताल में दाखिल हो रहे हैं या खुदा न खास्ता जो डेथ्स हो रही हैं, वो उसके निस्बत जो पिछले वेरिएंट थे उनकी निस्बत बहुत कम है। और उसकी एक मेन वजह ये भी है कि अब हमारी पंजाब में तकरीबन 58% जो पॉपुलेशन है वो फुली वैक्सीनेटेड है, और कुछ 77% पॉपुलेशन है जो एटलीस्ट वन डोज ले चुकी है, यानी कि वैक्सीनेशन का फायदा हुआ, वैक्सीनेशन का फायदा हुआ। तो उसके लिए भी फिर गुजारिश हम आपके तवस्सुत से करेंगे कि अभी भी जो लोग किसी वजह से रह गए हैं तो इसको मौके को गनीमत जानते हुए अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। कोविड की वैक्सीनेशन भी हर गवर्नमेंट के इदारों में, और इसी तरह डोर टू डोर हम कंपेन के जरिए भी दे रहे हैं, नियर टू देयर होम रीच एवरी डोर के नाम से कंपेन अभी फिर 1 फरवरी से लॉन्च होने जा रही है। तो वो जिनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुई है या जिन्होंने शुरू नहीं कराई है, वो ज़रूर अपनी तमाम फैमिलीज की, आप क्योंकि 12 साल की उम्र के ऊपर के तमाम अफराद की जो वैक्सीनेशन है वो ज़रूरी है, और बूस्टर डोज जो है उसका भी 18 साल से ऊपर जो है अगर उनकी दो डोजेस पहले लग चुकी हैं तो तीसरी डोज भी लगाएं, क्योंकि कोई पता नहीं है ये वेरियंट तो आते रहेंगे। तो अगर वो वैक्सीनेटेड हैं तो अव्वल तो वो बीमारी से बच जाएंगे, और अगर खुदा ना खास्ता बीमारी का शिकार हों तो कॉम्प्लिकेशन या सीरियसनेस जो है बीमारी की वो कम होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपके नजरिए में अब लोगों को एहसास हो गया है कि वाकई वैक्सीनेशन से बड़ा फर्क पड़ता है, और वाकई कोविड का जो एक रेशियो पहले था वो काफी जो है कम हुआ है इस दफा, तो क्या आपकी फीडबैक रही है आपके पेशेंट्स और जितने भी लोगों को आप मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि हमारी कौम बड़ी बाशऊर है, और उन्होंने
पिछले 2 सालों से जिस जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, शुरू में डेफिनेटली बाकी दुनिया की तरह यहाँ भी कुछ कन्फ्यूजन पाई जाती थी रिगार्डिंग द कोविड, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे ये अगेन अ बिग क्रेडिट गोज टू द मीडिया, वेदर इट्स रूटीन मीडिया और सोशल मीडिया, लेकिन उन्होंने आवाम में जो शऊर है वो बड़ी तेजी के साथ बेदार किया है, और अब इसका स्प्रेड हो या इसमें वैक्सीन की इंपॉर्टेंस हो तो वो हमारी बाशऊर आवाम में बहुत हद तक चला गया है। एंड दैट्स द रीजन, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट हो चुकी है, और ये एक अहम वजह है कि जो 5वां वेरियंट है डिस्पाइट इट्स ह्यूज स्प्रेड, इसमें जो केस फेटेलिटी है, सेवेरिटी है, हॉस्पिटलाइजेशन है, वो बहुत कम है। और मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से जो है वो इनडायरेक्ट बेनिफिट जो है वो पोलियो मुहिम को भी होगा, इस वजह से कि अवाम में ये शऊर बेदार होगा कि जिस तरह से ये बीमारी जो है वैक्सीन से कवर हो गई है, तो इसी तरीके से पोलियो या इस तरह की बाकी तमाम बीमारियां जो है उसमें डेफिनेटली वैक्सीन का एक इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल होता है। अच्छा, ये बात ना हमने अपने शुरू के एपिसोड में की थी कि जब हम लोग वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहे थे तो मैंने ये एक पॉइंट लेकर आई थी कि देखिए पूरी दुनिया वॉज एट ए स्टैंड स्टिल, मतलब हम सब चुप करके बैठे थे और इंतजार में थे कि वैक्सीन कब आएगी, वैक्सीन कब आएगी, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तो इलाज नहीं होगा। तो आप ये देखिए कि पोलियो की वैक्सीन मौजूद है और वो डोर टू डोर कैंपेन्स हो रही है और वो मुफ्त में हो रही है, अब तो कोई जवाब ही नहीं है कि आप उसको रिजेक्ट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं एजेंडा के बारे में, एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट फॉर 2022 जो कि इस साल का है, तो किस किस्म की कैंपेन जो है हम आगे को देखने में हमें मिलेगी सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर? जी बिल्कुल, जैसे भी डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और खासतौर पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बड़ी कमिटेड है जी कि जितनी भी ऐसी बीमारियां हैं जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल हैं, जैसे कि आप याद होगा 1978 से जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था तो सिर्फ 6 बीमारियों के खिलाफ था, इस वक्त हम जो वैक्सीन दे रहे हैं वो 12 बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन बच्चों की दी जा रही है, जो पैदाइश से लेकर तकरीबन 1.5 साल की उम्र तक उनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, और वो इन बारियां मूजी अमराज जो ना सिर्फ अमवात का बायस मान रहे थे बल्कि बहुत सारी पेचीदगियां भी बच्चों में आती थी, माजूरी होती थी, तो वो उनसे उम्र भर के लिए वो बच्चा महफूज हो जाता है। पंजाब की बात करूं तो तकरीबन 7 अरब की वैक्सीन मैं पंजाब के लिए खरीदता हूँ। अच्छा। जो छोटे बच्चों के लिए, जिसको लोग समझते हैं मुफ्त में दी जा रही है, और इसमें ये अभी कुछ शेयर है हमारा, कुछ डोनेशन है, लेकिन 7 अरब का खर्चा पंजाब के बच्चों के लिए सिर्फ हम करते हैं जो वैक्सीन का है। क्या बात है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें ये ऐड करने जा रहे हैं। पंजाब में अभी भी इस वक्त 2 ऐसी वैक्सीन हैं या 2 ऐसे इजाफी डोजेस हैं जो पंजाब में दी जा रही हैं, बाकी अभी प्रोविंसेस में नहीं है। जैसे हेपेटाइटिस की बड़ डोज हम दे रहे हैं, यानी कि बच्चे को पैदाइश के 24 घंटे के अंदर अगर हेपेटाइटिस की वैक्सीन मिल जाए, बाकी रूटीन के भी उसके टीके हैं 3, लेकिन पैदाइश के जितनी फौरन बाद दी जाएगी इतना ही ज़्यादा उसमें चांसेस हैं कि वो जो काला यरकान है उससे वो बच जाएगा। इसके साथ साथ हमने जो एक DTP बूस्टर ऐड किया है पंजाब में, कि वो टीके तो 3 हमें लगते हैं पहले 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते की उम्र में, लेकिन वो अब हम 1.5 साल की उम्र में एक बूस्टर भी देते हैं, और उसमें ये खुनाक का और काली खांसी का और ये डिफ्थेरिया का, पर्टुसिस और टेटनस, तो ये 3 अगर लग जाएं बीमारियों के खिलाफ टीका बूस्टर की, तो वो उम्र भर के लिए बच्चा जो है इन 3 बीमारियों के खिलाफ। तो ये 2 ऑलरेडी इजाफी चल रहे थे, अब हम ये HPV की तरफ भी जा रहे हैं। उसके अलावा पोलियो का जहाँ तक जिक्र है तो 6 कंपेन इस साल हमारी प्लान है, जो पहली कंपेन है वो अभी जारी है, और इसी तरह फिर हमारी एक मार्च में कंपेन है, और हर एक महीना छोड़ के ये 6 कंपेन हम करेंगे, और इंशाल्लाह हम ये तवक्को रखते हैं और होपफुल हैं आपके तवस्सुल से भी ये पैगाम, वालदैन के भी तावन से, और हमारा खास तौर पे फील्ड वर्कर की मेहनत, गवर्नमेंट की कमिटमेंट, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की कमिटमेंट से, कि इंशाल्लाह हम ये अगर सक्सेसफुली कंपेन करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा जो पोलियो एरेडिकेशन का ख्वाब है वो हमें पूरा होता हुआ नजर आ इंशाल्लाह। और डॉक्टर साहब, आप जैसे लोग हों, आप जैसे लीडर हों, तो ऐसे क्यों ना हो, तो मेरे जेहन में आपके लिए ना आपके लिए एक कोटेशन आ रही है, मैंने कहा मैं आपकी नजर करूँ, इजाजत है। कहते हैं जी, अ लीडर इज द वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। तो ये बहुत जरूरी बात है कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और आप साथ दे रहे हैं सब लोगों का, आप टीम वर्क में बिलीव करते हैं, इतनी थॉरली आपने सारी चीज एक्सप्लेन की है, और आप ये सोचें कि क्रिटिसाइज करना कितना जरूरी है ना हमारे लिए हमेशा, है ना, मतलब हम सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ हम कॉमेंट लिख रहे होते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, हमारे लोग ये नहीं करें, मगर अब आप ये देखें, फैक्ट्स आपके सामने हैं, स्टेटिस्टिक्स आपके सामने हैं, डॉक्टर साहब ने इतनी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया कि कितने सालों की ये मेहनत है, और ये सिर्फ एक बंदा नहीं लगा हुआ,
ये पूरी टीम है, और ये प्रॉपर एक थॉट प्रोवोकिंग आपने प्लान सोचा, उसको इम्प्लीमेंट किया और आगे का आप सोच रहे हैं ताकि इंशाल्लाह पाकिस्तान में पोलियो का जो है वो खात्मा हो सके. आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. सो कुडस टू यू एंड योर टीम एंड द गवर्नमेंट फॉर मेकिंग दिस हैपन. दिस इज वंडरफुल. तो बहुत खुशी हुई जी डॉक्टर साहब आपको आज बुला के. मुझे खुशी इसलिए हुई क्योंकि मुझे इतना पता है दैट मेरा जो मुल्क पाकिस्तान है वो सेफ हैंड्स में अगर आप जैसे लोग उनको हेड करते हैं, खासतौर पे व्हेन इट कम्स टू द हेल्थ. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विसेज. तो प्रोफेसर साहब जाते जाते आप वालदेन को और जितने भी बच्चों के खानदान वाले हैं, दोस्त हैं, उस्ताद हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं एक बिल्कुल छोटी सी और मुख्तसर सी बात करूंगा जाते जाते कि ये जो पोलियो की मुहिम चलती है इसमें भी और रूटीन में भी अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखें, उनकी हेल्थ का ख्याल रखें, उनकी खुराक का ख्याल रखें, और दो कतरे हर बच्चा हर बार. ये सादा तरीन पैगाम है जो हम पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से देते हैं. और आजकल मुहिम चल रही है तो अगर इन दो तीन दिनों के अंदर वो आपके घर पे आते हैं तो ज़रूर उन पोलियो वर्कर्स को इज्जत दें, उनके साथ खुश अखलाकी से पेश आएँ, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, और अगर किसी वजह से रह जाते हैं तो करीबी हिफाजती टीकों के मरकज पे जाके उनको जरूर हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल कराएं और पोलियो के कतरे पिलवाएं. बिल्कुल इंशाल्लाह. थैंक यू सो वेरी मच प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी चीज होती है, हम हमेशा, क्योंकि मैं अपने रेडियो शो पर अक्सर बात करती हूँ ना कि जब कोई फेमस पर्सनैलिटी आते हैं या कोई आर्टिस्ट होते हैं तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उनको चाहिए होती है रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन जब तक वो जिंदा है, क्योंकि जब वो गुजर जाते हैं तो हमें याद आते हैं भाई उस इंसान ने पाकिस्तान के लिए कितना कुछ किया, और फिर उनके लिए जो है ऑनर्स आ रहे होते हैं. तो जब तक वो जिंदा है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए. तो मेरे ख्याल से आप दोनों के लिए मैं आई वुड लाइक टू गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर योर सर्विसेज. थैंक यू. अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉल इन सेशन. हम उमर साउथ से बातचीत करेंगे जो कि सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, होस्ट हैं और सोशल इश्यूज के ऊपर काफी बातचीत करते हैं, वोकल हैं. तो उनसे हम सवालात करेंगे कि जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, उनका रोल क्या होना चाहिए पोलियो इरेडिकेशन के लिए. कहीं मत जाएगा, कीप ऑन वॉचिंग टीवी वन. यू आर वॉचिंग ललकार. Assalamu alaikum, khawateen o hazrat, ladies and gentlemen, welcome to yet again another episode of Lalkar on TV1. Mera naam Sofia Anjum hai, main aapko khushamdeed kehti hoon aaj ke episode ke upar. Aur ji, mujhe itna yaad hai ki pichle episode mein maine bahut kuch seekha, usse pichle episode mein bhi maine bahut kuch seekha, aur har dafa jab main yahan par aati hoon, hum is studio mein baithte hain Lahore station se, to koi na koi nayi malumat jo hai mujhe sunne ko milti hai, सीखने को मिलती है. और आप लोगों से भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी इंटरेक्शन होती है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी. टीवी वन जो है ट्विटर पर है, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, हमारे यूट्यूब चैनल भी है. और आपको पता है कि ये जो सीरीज है ये डेडिकेटेड है पोलियो इरेडिकेशन के ऊपर, यानी कि पोलियो का खात्मा पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जी देखा जाए तो पूरी दुनिया में पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो ऐसे ममालिक हैं जहां पर पोलियो अभी तक जो है वो मौजूद है. अनफॉर्चुनेटली एक है अफगानिस्तान और दूसरा है पाकिस्तान, जो कि हमारा मुल्क है, हमारा प्यारा मुल्क है. और हमारा फर्ज बनता है कि हम पाकिस्तान को पोलियो फ्री कंट्री बनाएं, यानी कि पोलियो का खात्मा जरूरी है. अब कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं जी जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी. कहते हैं जी दैट द वर्ल्ड इज ऑन द ब्रिंक ऑफ ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन विद अ रिडक्शन इन पोलियो केसेस बाय 99.9% ग्लोबली, यानी कि पूरी दुनिया में पोलियो इरेडिकेट हो चुकी है 99.9%. पाकिस्तान पूरी दुनिया में सिर्फ अफगानिस्तान के साथ ऐसा मुल्क है जहां पर पोलियो अभी भी मौजूद है, जिस तरह मैंने आपको बताया था. अनफॉर्चुनेटली जी देखा जाए तो 2019 जो था वो बड़ा चैलेंजिंग ईयर था. मेरे ख्याल से ये मैं वर्ड इस्तेमाल करना चाहती हूँ, बड़ा चैलेंजिंग ईयर था क्योंकि काफी ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए. अनफॉर्चुनेटली 147 पोलियो केसेस वर रिपोर्टेड. मगर अच्छी बात, गुड न्यूज, कि पिछले साल 2021 में ऑफिशियली सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ, जिसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से इकदाम थी, जो कैंपेन्स थी, जो इंडिविजुअल एफर्ट्स थी, जो मीडिया के बहुत सारे सर्विसेज थी, हमारे प्रोग्राम ललकार के थ्रू भी और आप लोगों की वजह से माशाल्लाह से ये ट्रेंड जो है डाउन चल रहा है. तो इस साल हमारा ये इरादा है और पुख्ता इरादा है जी कि इंशाल्लाह जब नेक्स्ट एपिसोड हम करेंगे, इंशाल्लाह हम खुशी में करेंगे कि पोलियो जो है उसका खात्मा हो चुका है पाकिस्तान में. अच्छा, अगर कोई भी वालदैन अभी सुन रहे हैं,
देख रहे हैं हमें और सोच रहे हैं कि उन्होंने कोई सवालात करने हैं अपने बच्चे की वैक्सीनेशन से रिलेटेड, तो वो कॉल कर सकते हैं जी हमारी हेल्पलाइन पर, जिसका नंबर मैं आपको बताने लगी हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, 1166, यानी कि 1166 पर आप कॉल कर सकते हैं, हेल्पलाइन है मालूमात के लिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल है आपके बच्चे से वैक्सीनेशन से रिलेटेड तो आप वो कर सकते हैं। एक जो कोटेशन है जो कि मैं आपको पता है हमेशा जब भी पहला लिंक देती हूँ तो कोटेशन से स्टार्ट करती हूँ, तो वो मेरे जहन में सुबह से जो है ना वो चल रही थी और वो कुछ इस तरह से है कि अच्छी सेहत की कदर तब तक नहीं होती जब तक बीमारी ना आए। यानी कि हम बीमारी के इंतजार में रहते हैं कि बीमारी आएगी तो फिर हम इलाज करेंगे, तो हम क्यों ना ये सोचे कि बीमारी क्यों आए, बीमारी तो आनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए एहतियात बहुत जरूरी है, यानी कि पोलियो के जो दो कतरे हैं जो हम बार बार स्ट्रेस करते हैं, दो कतरे वो पानी के कतरों की तरह हैं और वो बेजरर हैं, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आपका मुस्तकबिल और आपका कल इंशाल्लाह रोशन होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ललकार ऑन टीवी वन, मेरा नाम सोफिया अंजुम है। बड़ी जी हमारी इंटरेस्टिंग गपशप लगी, बहुत सारी मालूमात हमने हासिल की। डॉक्टर मुख्तार अहमद अवान साहब जो है वो यहाँ पर मौजूद थे, प्रोफेसर टीपू सुल्तान साहब मौजूद थे। अब जो है मैं ये दावत देना चाहूंगी ऑन कॉल एक ऐसे इंसान को जिनको मैं दिल से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। वो लाहौर बेस्ड सिंगर हैं जी, म्यूजिशियन हैं, पर्कशनिस्ट हैं एक बैंड क्वाड्रम के, और क्वाड्रम के बारे में मैं आपको बड़ी मजे की बात बताती हूँ कि जब वो स्टार्ट होते हैं ना हैं जी, जब वो शुरू करते हैं ना तो सारे लोग जो हैं एक नशे में चले जाते हैं और वो पूरी दुनिया में परफॉर्म करते हैं, पूरे पाकिस्तान में परफॉर्म करते हैं और लोगों के दिल जो है उन्होंने जीते हैं। मगर उमर साउद जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनके सबसे मजे की बात ये है कि वो होस्टिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, ही हैज अ लॉट ऑफ फेदर्स इन हिज कैप, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही टॉक्स अबाउट सोशल इश्यूज और वो बहुत अच्छे इंसान है। अस्सलाम वालेकुम उमर साउद, कैसे हैं आप, वेलकम टू द शो। बस आपको पता है ना ये अंडर द टेबल डील थी आपके मेरी, हम काफी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, हमने कहा सिर्फ तारीफें तो नेशनल रेडियो पर और नेशनल टीवी पर जरूरी होती हैं कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन यार ये नशे की बातें जो है आपको पता है की आजकल जो सोशल मीडिया है इसमें कोई एक बात जो है वो उठा ली जाती है और उसको एक ट्विस्ट से पेश किया जाता है, तो इसलिए मैं अच्छी बात रहने दें, है ना। ये नेक्स्ट आपके मेरी टिकटॉक वीडियो आ जाएगी, पीछे ना अली नूर का नशा चला होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम आप ये कहते हैं कि हम जरूर खुशियां बिखेरते हैं लोगों में, जब भी हम अपनी बीच पे जाते हैं तो लोग खुश जरूर होते हैं। क्या बात है, क्या बात है, आपको ना बुला ले को-होस्टिंग करने के लिए, आप अपनी इंट्रोडक्शन खुद कर लें। अच्छा तो उमर मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस, यू नो वी रियली रियली अप्रिशिएट इट। मुझे ये बताएं कि नाउ कमिंग टू पोलियो, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब भी मौजूद थे, प्रोफेसर साहब भी मौजूद थे, हमने काफी देर तक बात की थी पोलियो के खतरे के ऊपर और ऑब्वियसली पोलियो के खात्मे के ऊपर भी। तो मुझे ये बताइए कि सेलिब्रिटीज, आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स, इनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है पोलियो के खात्मे का पैगाम फैलाने के लिए। आर्टिस्ट है जितना उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हर एक की अपनी अपनी एक फॉलोइंग होती है और हर आर्टिस्ट को लोग किसी एक पॉजिटिव रीजन की वजह से फॉलो करते हैं जी। और उसका इन्फ्लुएंस जरूर होता है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आर्टिस्ट कम्युनिटी के ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जब भी कुछ आपको लोग फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छा जो है वो उन तक पहुंचाएं, ताकि आप अपना सोसाइटी में जितना भी प्ले कर सकते हैं वो आप करें। अब जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान हैज बीन नोन फॉर सम नेगेटिव रीजंस एज फार एज पोलियो कैंपेन इज कंसर्न, यहाँ पे मसला ये है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत स्केप्टिकल होते हैं जब कोई की बात होती है कि कोई आउटसाइडर आपके घर आके आपके बच्चों को कोई एक सब्सटेंस दे रहा है, ठीक है ना, और उसके देयर हैज बीन यू नो लाइक वेरी क्लोजली मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट और सब कुछ जो है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है कि जो पोलियो की जो वैक्सीन होती है वो तो उसको प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनाइज किया जाता है, उसको दे मेक श्योर दैट वट एवर दे आर सेंडिंग टू यू इज प्रॉपरली केप्ट। मैंने देखा है कि जब टीमें आती हैं
तो उनके पास एक प्रॉपर इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर उन्होंने वैक्सीन को स्टोर किया होता है और इसी तरह वो फिर जब आपके क्रेडेंशियल्स लेते हैं आपके बच्चों की पूरे हर घर में पूछते हैं कितने बच्चे हैं जिनको पोलियो करके पिलाने हैं, तो वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये सारा काम कर रहे होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि बहुत सारे इलाकों में बहुत अजीब सा रिबटल शो करते हैं, उनको अंदर नहीं आने देते। तो मुझे लगता है कि लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से जो ये सारे ये होते हैं, और हम एज एन आर्टिस्ट और एज एन इन्फ्लुएंसर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक अच्छाई का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं और उनको बताएं कि दिस इज समथिंग दैट इज नीडेड विच इज रिक्वायर्ड। अल्लाह ना करे ये वो लोग हैं जो जिनको अंदाजा नहीं है कि अगर खुदा ना खासा एक एज पे पोलियो से बच्चा इफेक्ट हो जाए तो उसकी पूरी जिंदगी जो होती है वो किस कस्मों पुश्ती में गुजरती है, और उसके बाद फिर इसका कोई वो भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे होता है ना कि आपको आपको कुछ छोटी मोटी एलमेंट हो गई, आपने उसकी सर्जरी कराई, आप ठीक हो, इलाज नहीं है, दिस इज इसका इलाज नहीं है, दिस इज समथिंग दैट इज देयर फॉर लाइफ विद यू। और जो ठीक है अगर खुदा ना खासा आप कोई अफेक्टेड है तो ये मतलब नहीं उसकी जिंदगी खत्म हो गई, देयर इज ऑलवेज होप, यानी कि आप उस लोग बहुत सारे हैं जो डिफरेंटली एबल हैं और वो बहुत बड़े बड़े अचीवर्स भी हैं जी। बट व्हाई कॉल फॉर समथिंग लाइक दिस व्हेन यू कैन एक्चुअली यू नो लाइक बिल्कुल प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, दैट्स व्हाट वी ऑलवेज स्ट्रेस अपॉन कि एहतियात बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा पैगाम था आपको उमर। मुझे ये बताएं कि अच्छा आप और आपकी बेगम साहिबा को पेरेंटिंग किस तरह करते हैं आजकल के जमाने में, खासतौर पर जहाँ पर बच्चे की फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों शामिल हों। यार मैं आपको बताऊं कि ओवर द इयर्स मैंने बहुत बहुत ज्यादा लर्न किया है और मजे की बात यह कि मैंने अपने बच्चों से लर्न किया है। ठीक, यानी कई दफा ऐसा होता है कि मैंने एक दफा मुझे याद है हमारा पहले भी एक इंटरेक्शन हुआ था जिसमें मैंने इंटरव्यू में बताया था कि हम बहुत सारे टैबूज और जो इल प्रैक्टिसेस हैं उनको एज जो हमें पास ऑन हुई होती हैं पिछली जनरेशन से जी। उनको हम बगैर क्वेश्चन किए आगे लेके चलते रहते हैं, ये बहुत गलत करते हैं हम। यानी जो क्वेश्चन करने की आदत है वो बचपन से बच्चों में डेवलप करनी चाहिए, जिसकी वजह से जो टीचर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल बनता है, जो पेरेंट्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल बनता है कि कोई भी क्वेश्चन स्टूपिड क्वेश्चन नहीं होता। बिल्कुल, स्टूपिड क्वेश्चन सिर्फ वही होता है जो ना पूछा जाए। क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर जो है ना फोकस नहीं करते ना हम अपने माशरे में, बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। मतलब आप किसी बच्चे को कुछ भी कहकर स्नब नहीं कर सकते अगर वो कोई सवाल पूछता है। बिल्कुल, चुप करो ये तुम्हारे पूछने वाला सवाल है। नहीं, अगर मसला ये है कि जो हमारे आपने देखा है जो बड़े लोग हैं यानी कि जो हम बड़े हैं हम ग्रो करना एक खास हद के बाद रुक क्यों जाते हैं, यानी हमारी ग्रोथ रुक क्यों जाती है, वो इसीलिए रुक जाती है कि हमने अपने आप को समझा दिया होता है, कॉम्प्रोमाइज कर दिया होता है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है और यही आंसर है। बिल्कुल, क्यों है ये हमने कभी नहीं पूछा। और जो बच्चे हमने किया होता है अपने आप को। बिल्कुल, और आजकल के बच्चे जो है ना माशाल्लाह वो भाई हमारे दौर के बच्चे नहीं है, हाँ जी, वो काफी यानी के लिटरेट हैं और वो काफी लिटरेट हैं और उनके पास वो बहुत एक्सपोज हैं, बहुत सारा मीडिया देखते हैं, बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखते हैं। मतलब जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव होता है दैट इज इन रीच ऑफ आर चिल्ड्रन। एब्सोल्युटली, तो वो मेरा ख्याल है कि बहुत जरूरी है कि आप बच्चों को बजाय स्नब करने की उसकी बात सुने भी और उनको अपना ओपिनियन भी बताएं, एंड यू शुड गिव देम द राइट टू डिसएग्री विद यू। बिल्कुल बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री। ये नहीं क्योंकि हम ये कहें कि भाई हम माँ बाप हैं तो बस हमारी बात मान लो, मतलब माँ बाप भी गलत हो सकते हैं और इसीलिए को पेरेंटिंग भी बहुत जरूरी है हमारे माशरे में। खैर ये तो आपके साथ बड़ी लंबी आपको पता है गपशप चलती रहेगी इस बारे में, इंशाल्लाह दोबारा आपको दावत देंगे। मगर एक और सवाल आपसे पूछते हैं, अच्छा क्या आपको लगता है उमर कि हम अपने माशरे में अपनी सेहत को तरजीह बहुत कम देते हैं, यानी कि हाउ कैन वी स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ एंड अ ब्राइट फ्यूचर? मेरा ख्याल है कि इस पे जितना ज्यादा जोर दिया जाए उतना ही कम है, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि एवरीथिंग अराउंड यू बॉयल्स डाउन टू एजुकेशन। मतलब एजुकेशन में वो नहीं कह रहा कि आपने डिग्री हासिल कर ली, आपने कौन सा मास्टर्स किया है, जो ओवरऑल जो घर से तरबियत होती है ना, जो टीम और तरबियत होती है उसकी कमी की वजह से आपको जितने ये जो अस्पताल भरे हुए हैं वो इसीलिए भरे हुए हैं कि आप लोग वो होता ना कि जैसे एन एप्पल अ डे की डॉक्टर हुए, वो ये छोटी छोटी कहावतें ऐसे नहीं बनी हुई, मतलब इनके पीछे एक रियाजत है, यानी बहुत बड़ी एक वो है हिकमत है।
और वो यही है कि अगर आप अपने तो खुद पता होता है आपका जिस्म, आपका पेट, आपका मुंह, आपकी नाक, आपके ये सब कुछ आपको बता रहा होता है कि क्या खाने के काबिल है और क्या खाने के काबिल नहीं है, लेकिन आप अपने आप को फूल कर रहे होते हैं और फिर लेटर ऑन ओल्ड एज आपको वो सारे चीजें तंग करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हेल्थ पे जितना जोर दिया जाए, और दो कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो आजकल की जो जनरेशन है वो न्यूट्रिशनिस्ट की बात सुनती है, वो बहुत वॉचफुल हैं अपनी डाइट के बारे में, पर एट द सेम टाइम आपने देखा कि बहुत सारे जो अनएजुकेटेड लोग हैं जो कि एक रट में चलते हैं और वो इन सारी जो जंक फूड की डील्स होती हैं इनके ऊपर रेडी टू जंप। आप जैसे ही एक छोटा सा डिस्काउंट ऑफर करते हैं बर्गर पे पिज्जा पे, पीपल आर रेडी टू जंप एंड मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर दोज पीपल जो कि बेचारे फाइनेंशियली थोड़े से स्ट्रांग हो गए हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि अपने हेल्थ के साथ वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, बाय ईटिंग ऑल दिस जंक फूड। वही तो मैं सोच रही थी ना, हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक मासे। बिल्कुल, वही मैं सोची थी कि मैं उमर से सवाल जरूर करूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम तो तरजीह ही नहीं देते इस चीज को। खैर अगेन आपकी और मेरी जो जब मुलाकात होगी हम मजीद इसके ऊपर गपशप ही लगाएंगे। तो जाते जाते ऑफकोर्स आप पाकिस्तान के तमाम वालदैन और बच्चों के रिश्तेदारों को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि पोलियो के कतरे क्यों इतनी जरूरी है हमारे लिए? जी जरूर, मैं आपको बताऊं कि पोलियो कतरे जो है वो कराने बहुत जरूरी है, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि दिस इज एन एलिमेंट जिसका कोई इलाज नहीं है। तो अगर खुदा ना खास्ता अगर आपकी थोड़ी सी कोताही की वजह से आपका बच्चा इस चीज से दो चार हो जाता है तो आप मुझे बताएं कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके फ्यूचर के लिए? सिर्फ पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे ना, जिन्होंने टाइमली उस बच्चे को व्हेन ही वाज अनएबल टू टेक हिज ओन डिसीजन, हिज और हर ओन डिसीजन, तब आपने उसके वो डिसीजन नहीं लिया। बिल्कुल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा जो कि मैंने वसीम अकरम से सुनी थी व्हेन ही गॉट मैरिड इन ऑस्ट्रेलिया। He said when he came, he shared with everyone के वहां पे जब सुबह होती है यानी कि फजर के बाद, कहते कोई इंसान वहां पे घर नहीं होता और सारे ग्राउंड भरे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो फिजिकल फिटनेस है और जो आपकी सेहत है बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में सब लोगों को सुबह जो है आगाज जो है वो अच्छी वॉक या एक्सरसाइज से करना चाहिए, और उसके लिए आपको जैसे भी करना पड़ता है जल्दी सोना पड़ता है आप जल्दी सोएं, आपको जो करना पड़ता है आप करें, लेकिन स्टार्ट योर डे विद अ पॉजिटिव नोट विद एक्सरसाइजिंग एंड विद अ वॉक। एब्सोल्युटली एंड गुड लाइफस्टाइल चॉइसेस। थैंक यू सो वेरी मच उमर, हैव अ फैंटास्टिक डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और राइट जी, आप देख रहे हैं ललकार ऑन टीवी वन। उमर साउद से जी गपशप चल रही थी, वो एक सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, आर्टिस्ट हैं, होस्ट हैं, आर्टिस्ट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। बड़ी अच्छी उन्होंने बातचीत की, उन्होंने को पेरेंटिंग की बात की, उन्होंने रिस्पेक्ट की बात की, आगाही की बात की, एजुकेशन की बात की, क्रिटिकल थिंकिंग की बात की, फिजिकल एक्सरसाइज की बात की। थैंक यू सो वेरी मच उमर। अब जी आपसे इजाजत लेने का टाइम आ चुका है, काफी ज्यादा पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं जी, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में भी हम मजीद डिस्कस करेंगे, मगर एक बात तो तय है कि पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा हमने करना है। दो कतरे आपने पिलाने हैं अपने बच्चे को, और वो जो बच्चा है उसको रिपीटेड वैक्सीनेशन की भी जरूरत है। एंड अपने मुस्तकबिल को महफूज करें, अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाएं। हमारी जो मुहिम है वो स्टार्ट हो चुकी है इस साल की 2022 की, जो कि हमने आगाज किया था इस महीने से जनवरी में। हेल्पलाइन भी है, अगर आपने कोई मालूमात हासिल करनी है, कोई सवाल है, आपको किसी किस्म की भी कोई दुश्वारी का सामना पेश आ रहा है या आपको कोई दिक्कत है किसी चीज में, तो यू आर मोर देन वेलकम टू कॉल देम ऑन द लैंडलाइन। मैं आपको लैंडलाइन का नंबर बताती हूं जी, 1116, यानी कि मालूमात आप सारी हासिल कर सकते हैं 1116 के ऊपर। टीवी वन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमें आप जरूर फॉलो कीजिए, आप हमें ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक, ट्विटर, Instagram, YouTube। ये जो पूरी सीरीज है ललकार, इट इज डेडिकेटेड टू पोलियो इरेडिकेशन इन द कंट्री। और पोलियो के कतरे पानी की कतरों की तरह होते हैं, यानी कि वो बेजरर होते हैं। आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचें, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एहतियात है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ऐसे ममालिक हैं जहां पर अभी भी पोलियो मौजूद है, पोलियो का वायरस मौजूद है। तो आइए आप, मैं, हम सब मिलकर पोलियो का खात्मा करें। जाते जाते एक कोटेशन आप सबकी नजर, आप अपने खानदान और दुनिया को जो बेहतरीन तोहफा दे सकते हैं वो है एक अच्छी सेहत का।
मेरा नाम सोफिया अंजुम है, देखते रहिए टीवी वन, जान है तो जहां है। अल्लाह हाफिज़।